डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो कि एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है प्रोटोनिक सॉल्वेंट जिसमें कि प्रोटोन नहीं होगा एस ओ टू जिसे हम कह रहे हैं तो ये एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है चीप है क्यों ये यूज किया जा सकता है एज अ नॉन एक्वा सोलवेंट ये चीप मटेरियल है इजी टू हैंडल है इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो माइनस सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग माइनस टेन पॉइंट जीरो टू डिग्री सेंटीग्रेड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सेवेंटीन पॉइंट टू एट माइनस सिक्सटीन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड डाइपोल मूवमेंट उसका हाई है वन पॉइंट सिक्स वन डी ये जो है इसमें नॉन पोलर कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं तो इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड ऑटो आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ में होगी जैसे नॉन एक्का सोलवेंट इससे पहले हमने पढ़ा था अमोनिया तो उसमें आपने देखा था ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी थी ऐसे ही एसोटू में भी सेल्फ uh, आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में गुड टेंडेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ये इसकी जो कोऑर्डिनेशन की टेंडेंसी वो अच्छी है क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में एमटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एमटी ऑर्बिटल्स होने की वजह से इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कैन फॉर्म सॉल्वेट्स इजीली तो ये सॉल्वेट आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं एम टी ऑर्बिटल्स होते हैं तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें सल्फर डाइऑक्साइड का तो ये मैंने सल्फर के ऑर्बिटल्स बनाए हैं ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं दो ऑक्सीजन इससे जुड़ी हैं। तो बॉन्डिंग किस तरीके से होते हैं देखिए है? यहां पर इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि दो ऑर्बिटल क्या बनाने वाले हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं तो ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के साथ फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड यहां पर आप देख सकते हैं इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे तो ये दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सल्फर के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इन दोनों स्ट्रक्चर्स इस का इसकी वजह से इनकी जो जो बॉन्ड लेंथ है एस और ओ के बीच में वो क्या है वन पॉइंट फोर थ्री तो ये बराबर बॉन्ड लेंथ है क्योंकि दोनों के दोनों का करेक्टरिस्टिक डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक है तो ये दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि सल्फर में डी ऑर्बिटल भी है तो टोटल जो ऑर्बिटल है वो नाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन में से आप देख रहे हैं चार ऑर्बिटल खाली है इसलिए ये आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एसिड की तरह ये एक्ट करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है अगर हम इसका सेल्फ आयोनाइजेशन देखें या ऑटो आयोनाइजेशन देखें तो आप देखेंगे ये सल्फर डाइऑक्साइड थायोनिल आयन यानी ये प्लस जो आयन है कैटायन और सल्फाइट आयन में ये डिसोशिएट हो सकता है और ये इसके साथ इक्वली में रहते हैं तो सल्फाइट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और थायोनिल आयन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से हम क्या बताएंगे अबाउट इट्स केमिकल रिएक्शन में जो इसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी है उनको हम डिस्कस करेंगे और अब हमने इससे पहले जो सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है वो हमने पढ़ा है तो वो स्पेसिज जो जिनमें क्या होगा सल्फाइट आयन होगा या जो सल्फाइट आयन दें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में तो वो क्या होंगे बेस वो बेस होते हैं जो सल्फाइट आयन देंगे क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस जो नेगेटिव आयन देते हैं सॉल्वेंट का उनको बेस कहते हैं तो जो स्पीसीज में या तो सल्फाइट होगा या वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डालने पर क्या देगा सल्फाइट आय जनरेट करेगा वो क्या होगा बेस होगा और वो सब्सटेंस जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में घोलने पर क्या देगा एसओ टू प्लस थायनिल आयंस देगा या फिर उसमें क्या होंगे थायनिल आयंस होंगे तो वो क्या होगा एक एसिड होगा क्योंकि एसिड क्या देते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कैटाइन देते हैं और बेस क्या देते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में देते हैं नेगेटिव आयंस तो अगर हम इसकी एसिड बेस रिएक्शंस देखें तो जैसे आपने लिक्विड अमोनिया में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सॉल्वेंट सिस्टम को रिजेनरेट करेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ऐसे ही वाटर में जो जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वॉटर तो वापस वो सोलवेंट सिस्टम जनरेट करते हैं ऐसे ही यहां पर भी आप देखेंगे जैसे एसोसीएल है एसोसीएल में आप देखिए एसो एसो टू है थायनिल आयन है ये क्या हो गया एसिड एसिड हो गया और दूसरा जो सब्सटेंस है जिसमें करेंगे, dioxide, तो उन्होंने क्या बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट कर दिया तो ये इनकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी कह सकते हैं और एसिड बेस रिएक्शन है जैसे अब देखिए इसमें एसो टू प्लस आयन है, थायनिल आयन है. तो स्पीसीज क्या हो गई एसिड हो गई और ये स्पीसीज क्या हो गई ये एक तरीके से बेस की तरह एक्ट करेगी यहां पर सल्फेट आयंस हैं है तो ये जो है इसकी जो सल्फेट की तरह ये किसकी तरह रिएक्ट करेगी बेस की तरह इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्वेंट एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा यह है पोटेशियम सल्फाइट ओके okay? जब इसमें SO3 थ्री यूनिट होगी तब ये क्या होगा एक बेस होगा एसओ थ्री टू नेगेटिव तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सोल्ट एंड सोलवेंट अब ये जो एसिड है देखिए ये बेस है क्योंकि इसमें क्या है सल्फाइट है तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सॉल्वेंट एंड सोल्ट दीज आर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आर सोल्वोलिसिस और सोल्वोलिटिक रिएक्शन जिनको हमने पहले भी पढ़ा था हमने बताया था आपको कि जो सोल्वोलिसिस सोल्वोलिसिस सोलवेंट का टूटना सोल्वोलिटिक सॉल्वेंट का टूटना तो इन रिएक्शन में क्या होगा सोलवेंट टूटेगा सोलवेंट टूटेगा तो इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सोल्वोलिटिक या सोल्वोलिस की रिएक्शन तो सोल्वोलिस की जो रिएक्शन है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जनरली कैसी होती है थोड़ी सी कॉम्प्लीकेटेड होती है ये देखिए यहां पर ये डाई इथाइल जिंक है इसका सोल्वोलिसिस किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो डाई इथाइल जिंक जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा टूट जाएगा ये टूट जाएगा तो क्या बनाया इसने एसओ थ्री टू नेगेटिव एंड एसओ टू पॉजिटिव तो ये दोनों स्पीसीज जो है वो दो जगह जुड़ सकती हैं। तो ये इसका क्या हो गया टूटना अब घटन इसका डिसोशिएशन इसका मतलब है कि ये खत्म हो गया और कोई नई स्पीसीज बन गई जिनमें कि क्या है एसो थ्री टू नेगेटिव हो सकता है एसो टू पॉजिटिव हो सकता है तो ये रिएक्शन को हम क्या कहेंगे सोल्वोलिस की रिएक्शन जैसे अमोनियम एसिटेट का अगर सोलवोलिस देखें हम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो आप देखेंगे एस, ये स्पीसीज बनी है जिसमें एसो थ्री टू नेगेटिव है और दूसरी स्पीसीज बनी जिसमें एसओ टू पॉजिटिव है समटाइम्स क्या होगा कि वो एक ही जनरेट हो रही है देखिए जैसे हेलाइट्स केस में ये बाइनरी हेलाइट हैं बाइनरी हेलाइट हम किन कहते हैं जिनमें केवल दो ही एलिमेंट होंगे तो एक फास्फोरस है एक हैलाइड है तो ये बाइनरी हैलाइड है जब ये हैलाइड्स जो है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो लिक्विड डायो, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है खत्म हो जाएगा डिसोशिएट होगा डिसोशिएट होकर इसने देखिए एक स्पीसीज़ दी है अपनी SO2 प्लस यहां पर दूसरी स्पीशीज जनरेट नहीं होगी SO3 2 माइनस बट ये एक स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया दैट इज SO2 प्लस तो ये एक तरीके की ये भी क्या है सॉल्वोलेटिक प्रोसेस है क्योंकि सोलवेंट का क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है और ये आ, क्या बना रहा है एक तो एसओ बी आर टू एन बी ओ सीएल थ्री एसओ सी एल टू तो ऑक्सो बना रहा है साथ में क्या बनाएगा ये एसओ टू प्लस और एसओ थ्री प्लस कंटेनिंग फॉर्मेशन करेगा तो एसओ टू का क्या हुआ है अब घटन या डिसोसिएशन हुआ है इसलिए क्या है सोल्वोलिटिक या की प्रोसेस है अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड में वो क्या है सोलवेशन रिएक्शन तो सोल्वेशन रिएक्शन क्या है देखिए सोल्वेशन जैसे हाइड्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है मतलब सीधे सीधे क्या होगा जो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ जाएंगे बस केवल जो हैं या कुछ सब्सटेंसेस हैं उनके साथ क्या होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे इनको हम कहते हैं सॉल्वेट्स सॉल्वेशन के सॉल्वेशन पर जो जब जो सॉल्वेंट है जब वो इससे अटैच हो जाएगा तो क्या बनेंगे सॉल्वेट्स का फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे जैसे यहां पर एस आर आई टू के साथ फोर सल्फर डाइऑक्साइड जुड़े हैं जबकि डाई ऑक्सीजन के साथ पांच सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ सकते हैं या दो सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ सकते हैं तो यह सॉल्वेशन है यह सॉल्वेशन क्यों हो रहा है क्योंकि इसके पास क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल कितने थे चार आपने देखा तो ये आसानी से क्या कर सकता है इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है तो इस तरीके से क्या बना सकता है एडप्ट और सॉल्वेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है तो सॉल्वेशन का मतलब क्या है सिंपल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस हैं जो सॉल्ट्स है उनमें क्या हो जाएंगे बस बाइंड हो जाएंगे जो चौथे तरीके की रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा कुछ जो कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में अगर सोलिबल है इसका मतलब वो कुछ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जैसे आयोडीन है एच जी आई टू है एस बी सी एल थ्री है एस बी एस फाइव एनओ सी एल है इनकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है जब इनको किसमें लेते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जब इनको लेते हैं दीज आर सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो ये कुछ रिएक्शन है जहां पर कॉम्पलेक्स फॉर्मेशन हो रहा है जैसे के आई की आई टू के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये के आई थ्री सो so, ये डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहे हैं मतलब ये जो आयोडीन है जो आयोडीन है जो एच जी आई टू है एसबीसीएल ये क्या होते हैं जब लिक्विड सल्फर डाऑक्साइड में हम इनको लेंगे तो ये सोलिबल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में आप एक डिफरेंस देखिए यहां पर देखिए रिएक्शन में कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है तो आपको याद करने का तरीका है कि यहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं कर रही है जबकि इससे पहले आपने देखा कि अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही थी खुद रिएक्ट हो रही थी या सल्फर डाइऑक्साइड के जो 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 पार्ट है एसओ टू प्लस एंड एसओ थ्री टू माइनस वो पार्टिसिपेट कर रहे थे जैसे एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और आपने देखा जब सोलवलिटिक रिएक्शन हुई तो एसओ टू पार्टिसिपेट कर रहा था और अगर सॉल्वेशन रिएक्शन हो रही थी तो भी पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होगी तो वहां पर आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड नाउ अदर टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर यू विल नॉट सी डायरेक्टली द यूज ऑफ एसो टू इसमें आप देखेंगे कोई यूज नहीं है हाँ एसो एसो टू कहीं पर आपको दिखाई देगा मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एसओ टू यहां पर डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं दिखेगा इनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लेकिन आप देखेंगे जो पॉजिटिव स्पीसीज है कहीं पर वो आपको दिखाई देगी जैसे आपको uh, कहां पर दिखाई दी थी प्रेसिपिटेशन जब आपने अमोनियम का पढ़ा था तो वहां पर भी आपने देखा था एनएच फोर प्लस के सॉल्ट यूज हो रहे थे इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली प्रेसिपिटेशन किनका होता है देखिए हेलाइट्स का और समाइम्स सल्फेट्स का जिन हैलाइट का प्रेसिपिटेशन एक्वस मीडियम में नहीं हो सकता जैसे आप जानते हैं कि केसीएल को अगर पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर आप देख रहे हैं केसीएल का जो प्रेसिपिटेट है वो बन रहा है ऐसे ही एनएसीएल है पानी में घुल जाता है लेकिन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ये सोलबल नहीं है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है एक्चुअली क्या है ये जो सॉल्ट बन रहे हैं जो प्रेसिपिटेट बन रहे आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कम्पाउंडस क्या है पानी में घुल जाएंगे तो इसलिए जो है ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं घुलते हैं क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स कंपाउंडस के लिए अच्छा सॉल्वेंट है कोवलेंट कंपाउंड्स इसमें घुल जाते हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं घुलते इस वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या हो जाते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये हेलाइट की है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो किसके सॉल्ट है जो इसका पॉजिटिव पार्ट है उसके सॉल्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं इनसोल्यूबल क्लोराइड्स या हेलाइट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो ये जो हैलाइड्स हैं ये आयनिक हैं इसलिए ये क्या है सोल्यूबल नहीं है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में इसलिए क्या हो जाते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अब देखिए ऐसे ही ये केसीएल का फॉर्मेशन हो रहा है एनएच फोर सीएल का हो रहा है केसीएल का हो रहा है और दूसरे तरीके के जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वहां पर देखिए सल्फेट का अब जो लेट सल्फेट है वो तो पानी में भी इंसॉलिबल होता है और यहां लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या होता है इंसॉलिबल होता है तो ये क्या करते हैं इसको मेटाथेटिकल प्रोसेस भी कहते हैं हम रिएक्शन भी कहते हैं जहां पर आप देखेंगे जो कम्पाउंडस है हेलाइट वो इंसॉलिबल होते हैं क्योंकि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्यों होते हैं क्योंकि ये क्या है आयनिक टाइप कंपाउंड है तो जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सोल्वेबल नहीं होते लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बिकॉज इट इज गुड सोलवेंट फॉर कोवलेंट कम्पाउंड सो दीज गेट प्रेसिपिटेटेड इसलिए जो है वो हो क्या होंगे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और ये एक एग्जाम्पल है जहां पर आप देख सकते हैं लेट सल्फेट भी जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम नेक्स्ट uh, टाइप की रिएक्शन देखें तो वह है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ सम सब्सटेंसेज और एम्फोटेरिज तो ये रिएक्शंस भी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में देखी जाती हैं जैसे कि ये रिएक्शंस हम कहा देखते हैं आ, उसमें हम एक्वस मीडियम में भी देखते हैं और लिक्विड अमोनिया में भी देखते हैं जैसे आप देखते हैं कि जो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस मीडियम में क्या होता है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है और जेड एन एन एच टू वो अमोनिया लिक्विड अमोनिया में कैसा बिहेवियर शो करता है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऐसे ही जो एल्यूमिनियम का सल्फाइट है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है इन लिक्विड अमोनिया तो आप देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे उन में क्या होगा जो नेगेटिव स्पीसीज है वो जुड़ी हुई है देखिए यहाँ पर ओ एच माइनस जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ यहां पर सल्फाइड जो लिक्विड अमोनिया का जो नेगेटिव लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ा हुआ है ऐसे ही आपने देखा जेड एन एनएच टू होल्ड वाइस है तो वहां पर भी आप देखा एनएच टू माइनस जुड़ा रहता है तो ये जो स्पीसीज है ये क्या है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती है लिक्विड अमोनियम में अब ये बिल्कुल उसी तरीके की रिएक्शन शो करती है जैसा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में शो करता है देखिए जैसे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो एनएवे से रिएक्ट करके जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर और एनोवेज डालेंगे इन एक्वस मीडियम तो ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है और इस सोलबल कॉम्प्लेक्स में अगर एसिड मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा फिर से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा तो ये रिएक्शन दिखाती है कि जो ए का होल त्राइस है वो एक्वस मीडियम में कैसा है ये है एक्स मीडियम में एम्फोटेरिक इसका बिहेवियर है ओके? Okay? बिल्कुल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तरह आप देखेंगे कि जो यहां पर जो एल्यूमिनियम का सल्फाइट है वो भी इसी तरीके से रिएक्शन देता है एएलसीएल थ्री देखिए एएलसीएल थ्री से रिएक्ट कर रहा था यहां पर ये इसका बेस है जिसमें कि SO3 2- नेगेटिव है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंस में ये बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन है तो जब ये ए एल सी एल थ्री से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ए एल टू एसओ थ्री का होल थ्राइस जो कि एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होगा जैसे कि आपने देखा एक्वस मीडियम में क्या बनता है एएलओएच का होल थ्राइस बनता है फिर यहां पर आप देखिए जो एल्यूमिनियम सल्फाइट है जब इसको इस बेस के साथ फिर से ट्रीट किया देखिए हमने यहां पर फिर से ट्रीट किया था तो एक सोलबल सॉल्ट बना था ऐसे यहां पर भी एक सोलबल कॉम्प्लेक्स बनेगा अब इस सोलबल कॉम्प्लेक्स को अगर हम इसके एसिड के साथ

डाइऑक्साइड में एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है अगर हम सोलिबिलिटी को कंपेयर करें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सब्सटेंसेस की तो अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी तो देखेंगे जो आयोडाइड्स होते हैं और थानाइट होते हैं आर मोस्ट सोलिबल कंपाउंड्स क्योंकि जो आयोडाइड होता है वो क्या होता है आपने फजान रोल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा है कि जो जो आयोडाइड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं कोवोलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म करते हैं इसकी वजह से क्या होगा ये आ, किस में सोलेबल होंगे जो आइडाइट्स होंगे और था साइनाइड्स होंगे वो किस में सोलेबल होंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सोलेबल होंगे क्योंकि जिनमें भी कोवोलेंट बिहेवियर होगा वो किस में सोलेबल होंगे वो सोलबल होंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में दूसरा आप देखिए जो अमोनिया मर्क्यूरिक एंड थैलियम सोल्ट होते हैं दे आर ऑल्सो सोलबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम कोवलेंट कंपाउंड देखें जैसे पीबीआर थ्री सीसीएल फोर है एस आई सी एल फोर है दीज कंपाड्स ऑल्सो सोलबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सो ऑक्साइड थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर लाइक कोवोलेन्ट नेचर देन मेटल सल्फेड सल्फाइड्स हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स आर इन बल वाइल मेटलो इन्सोलेबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो जहां पर जो सोलबल टाइप के कंपाउंडस हैं वो रिएक्शन जो है वो शो करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो सोलबल कंपाउंड नहीं है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं देंगे वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जेनरेट होंगे इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करेंगे लेकिन वो और दूसरी रिएक्शन शो नहीं करेंगे तो जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सोलबल होंगे केवल वही लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो रिएक्शन है वो शो करेंगे इसलिए सोलबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि, कि किस सोलवेंट में कौन से सब्सटेंस सोलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें रिएक्शन करवा सकते हैं अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी देखें तो क्या होगी बेंजीन एल्किस क्विनोलिन ईथर्स पायरिडीन एंड हैलोजन डेरिवेटिव आर सोलेबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जनरली क्या होता है कि जो भी जिनमें की कोवोलेंट करेक्टर है सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम, सो एक्सेप्ट ऑल दी एल्किल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर सोल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि ये कोवोलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है सोल्यूबलाइज करता है नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली अपने आप में जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है लेकिन जो गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो हाई टेम्परेचर पे एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लेकिन क्या करेगा इट कैन प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली ये खुद तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है लेकिन इसकी प्रेजेंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इसकी अपसेंस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं लेकिन इसकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे इसका मतलब इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है मीडियम प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का इसलिए हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरीके की रिएक्शन पॉसिबल है इट प्रोवाइड मीडियम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आयर्डीन को रिड्यूस नहीं कर सकती या ब्रोमिन को रिड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एक सल्फाइड आयन जो है वो आयर्डीन और ब्रोमीन को रिड्यूस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड खुद तो नहीं करेगा रिड्यूस या ऑक्सीडाइज बट सल्फाइट आयस सल्फाइट आय क्या करेंगे आई टू को क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो अगर हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी पॉसिबली लेकिन अगर हम यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो ये क्या करेगा आई टू को रिड्यूस कर सकता है तो इसका मतलब है ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फॉर रिडक्शन ऐसे यहां पर आप देखिए ये जो सल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड है ये इस आयोडीन को क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड खुद नहीं ऑक्सीडाइज करेगा नहीं रिड्यूस करेगा बट इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिडोक्स रिएक्शन अब जैसे आप देखिए जो के आई है इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू आई टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बाय द रिएक्शन विच एस बी सी एल फाइव तो ये रिएक्शन इन एबसेंस ऑफ एसओ टू पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे तो के आई का क्या हो जाएगा के आई का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये आई टू में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये जो रिरोक्स रिएक्शन है ये तब पॉसिबल है जब मीडियम क्या होगा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की अपसे में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में पॉसिबल है वो है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोलबल होते हैं और दूसरा जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो इनर्ट होता है नॉन फ्लेमेबल होता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी सोलिबिलिटी हाई है इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में पॉसिबल हैं। ऑर्गेनिक आर कोविल बॉन्डेड कंपाउंड दे आर सोलिबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ऑर्गेनिक रिएक्शंस पॉसिबल है देखिए एक कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल है सल्फोनेशन सो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फोनेशन पॉसिबल है जब एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए इसके अंडर सल्फोनेशन ये सी एल एसओ थ्री एच से जब रिएक्ट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है बेंजीन का सल्फोनेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की तो इस तरीके की ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे तरीके की जो रिएक्शन पॉसिबल है इसमें देखिए ब्रोमिनेशन रिएक्शंस क्योंकि ब्रोमिनेशन जो रिएक्शन है उनमें किसकी जरूरत होती है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की ये एक तरीके की एडिशन रिएक्शन है जहां पर आप देख रहे हैं ब्रोमीन एडेड टू दिस ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड तो ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड में एड हो रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो यह रिएक्शन इजिली हो जाएगी क्योंकि एल्किस आर सोल्यूबल इन लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड नाउ द थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन दट में अकर इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज फिडल क्राफ्ट रिएक्शन सो फेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हो सकती है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री तो आप देख रहे हैं ये एक एसाइलेशन की प्रोसेस है जहां पर बैनजीन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं इसका एसिडाइलेशन हो गया बेंजीन का तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं क्राफ्ट एसाइलेन रिएक्शन ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में हो रही है अब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अब आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉपर ऑक्साइड वेन ट्रीटेड विद लिक्विड अमोनिया सो वट विल बी द प्रोडक्ट एंड वट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस किस तरीके की रिएक्शन है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आप देख सकते हैं लिक्विड अमोनिया में ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा रिडक्शन होगा इनटू कॉपर इनटू कॉपर सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन तो यहां पर क्या फॉर्म होगा थ्री सी यू प्लस थ्री एच टू ओ प्लस एन टू

आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड अब सोचिए कि जब सोडियम है एल्कली मेटल अगर हम लिक्विड अमोनिया में लेंगे तो ये क्या करेगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है आपको याद आ गया होगा ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स जब लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं वो ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में जब वो डायल्यूट होता है और वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन में क्या मिला दें अमोनियम सॉल्ट मिला दें तो जो ब्लू सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है डीकलराइज हो जाता है तो ये अमोनो एसिड्स की रिएक्शन है ये क्या है अमोनो एसिड क्योंकि इसमें क्या है एनएच फोर प्लस है तो ये अमोनो एसिड है तो अमोनो एसिड की प्रेजेंस में ये क्या करेगा सोडियम का जो कलर था लिक्विड अमोनिया में ब्लू था तो ये क्या कर देगा उसको डीकलराइज कर देगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा एक्चुअली दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड सो एन ए विल कन्वर्ट इन टू एन ए प्लस एंड इट विल इवॉल्व दिस एच टू एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री विल बी देयर सो दिस इज द रिएक्शन जहां पर इसका जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा अब ये देखिए जो थर्ड रिएक्शन है ये तो हमने अभी पढ़ी है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन है जब बेंजीन का क्या करेंगे सल्फोनेशन तो बेंजीन का सल्फोनेशन मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इन जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड करेंगे तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब इसका सल्फोनेशन हो रहा है तो क्या बनेगा सी सिक्स एच फाइव एस ओ थ्री एच प्लस एच सी ओके तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके रिएक्शन जो है वो समझ में आएंगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए के आई प्लस एच जी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमने अभी इसको लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में पढ़ा है कि जब ये देखिए यहां पर कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है जब कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा तो ये दिस रिएक्शन में भी ये क्या हो सकती है ये हो सकती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ये है जहां पर ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स क्या है के टू एच जी आई फोर ओके सो दिस इज द रिएक्शन दिस इज कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन एनबीसीएल फाइव प्लस एसओ टू लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जब NbCl5 फाइव को लेंगे तो क्या होगा ये रिएक्शन करके जो हैलाइट हैं वो क्या करते हैं वो जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन देंगे सोल्वोलिटिक तो ये कैसी रिएक्शन है सोल्वोलिटिक होने जा रही है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा यूज हो जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा एन बी ओ सी एल थ्री प्लस एसओ Cl2 तो ये जो है एक इसका पार्ट बनेगा जो जो सॉल्वेंट होगा और इसका क्या हो जाएगा डिसोसिएशन तो बहुत सारे हेलाइट ऐसे हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो हेलाइट देते हैं और इसको हम कहते हैं सोल्वोलिटिक और सोल्वोलिस रिएक्शन अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है के बी आर प्लस एसओ सी एल टू के जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा के सी एल केसीएल क्या होता है जो आयनिक कंपाउंड है केसीएल अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगा इनसोलिबल होगा मतलब ये कैसी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है जहां पर केसीएल का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर हैलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आयनिक कंपाउंड है इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा यहां पर फॉर्मेशन होगा के सी एल प्लस एसओ पी आर टू सो टू केसीएल बनेगा तो यहां पर आप देखिए यह बन रहा है यह क्या है प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि यह क्या है एक आयनिक कंपाउंड है सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए यह रिएक्शन क्या है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन तो आई थिंक अगर आप इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिएक्शंस के नेम याद हो जाएंगे अगेन हम रिपीट करते हैं पहली रिएक्शन देखिए रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया में दूसरी रिएक्शन मोनो एसिड की रिएक्शन है आप देखिए यहां पर इस सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया क्या हो रहा है डिकलराइजेशन हो रहा है तीसरी रिएक्शन क्या है ये ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है इन सल्फर डाइऑक्साइड तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फोनेशन रिएक्शन दे रहा है ये जो चौथी रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ जो जो फिफ्थ रिएक्शन है यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली यहां पर सोल्वोलिटिक रिएक्शन है यहां पर ऑक्सो हेलाइड बनेंगे जब हेलाइड रिएक्शन कर रहे हैं और इधर लास्ट रिएक्शन क्या है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है क्योंकि आयनिक कंपाउंड बन रहा है विच इज इनसॉल्यूबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड नाउ वी कैन जस्ट कंक्लूड दी लेक्चर अबाउट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि किस किस तरीके की रिएक्शन शो कर सकता है आपने देखा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एंटी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे इसलिए ये आ, क्या कर सकता है सॉल्वेट रिएक्शन देता है इसका सेल्फ आयोनाइजेशन पॉसिबल है डाइपोल मूवमेंट बहुत हाई है इसलिए ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और में नॉन पोलर जो कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल एसिड बेस रिएक्शन शो करता है और एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो एसिड है वो क्या जनरेट करेंगे एसओ टू पॉजिटिव जो बेस है वो क्या जनरेट करेंगे एसओ थ्री टू नेगेटिव और ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस तो क्या बनाएंगे सोल्वेंट यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट देन दो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है जो हमने इसमें पढ़ी वो सोल्वोलिटिक की रिएक्शन पढ़ी सोल्वोलिटिक में क्या होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसका क्या होगा डिसोसिएशन होगा तीसरे तरीके की जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो पढ़ी सोल्वेशन रिएक्शन जहां पर सोलवेंट के मोलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं सोल्ट के साथ फिर हमने पढ़ी कॉम्प्लेक्सेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन या कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन यहां पर आपने अधिकतर पढ़े जो हेलाइट हैं और जो ऑक्सो हेलाइट थे वो क्या कर रहे थे रिएक्शन uh, करके क्या बना रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो एडिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इन सोल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सो दे गेट प्रेसिपिटेट इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर हमने पढ़ा जो एक कंपाउंड है दैट इज एल्यूमिनियम सल्फाइड ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में फिर हमने पढ़ा अबाउट रिडोक्स रिएक्शन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो खुद तो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है बट इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है रिडक्शन भी हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द reactions ऑफ ऑर्गेनिक compounds तो so, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जैसे ब्रोबिनेशन है सल्फोनेशन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये कहाँ पर हो सकती हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ये हो सकती हैं ओके सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड और उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज करी जिससे हम uh, इस तरीके की एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और जो जो लिक्विड अमोनिया है उसके रिएक्शंस को बेटर वे में समझ सकते हैं So thank you very much.